Assalamu alaikum ADP class. Today we will study law of demand. What is law of demand? The law of demand expresses functional relationship between price and the quantity. As we have studied in the previous lecture that there is a negative relationship between the price and the quantity demanded. It has been universally observed that people buy more quantity of goods when they are available at a lower price, and the quantity purchase declines with an increase in its price. As we know, when there is a fall in the prices, the people buy more and more quantities of that commodity, and when there is an increasing trend in the price of a commodity then the people are forced or they are compelled to buy low amount of dead commodities because due to increase in the prices their purchasing power become low we can define the law of demand in the following words other things remaining same arise in the price of a commodity

की क्वांटिटी पहले की निस्बत कम मिकदार में डिमांड की जाएगी गोया उनकी क्वांटिटी डिमांडेड में एक फॉल जो है वो ऑब्जर्व किया जाएगा और इसी तरह अगर देर इज अ फॉल इन प्राइस देन वट विल बी हैपन देन दी डिमांड ऑफ दी देन दी क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज यहाँ ये जो हमने वर्ड यूज किया कि अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम इसका मतलब ये कि कुछ फैक्टर्स अगर ना बदलें वो एज सच ही रहें तब ये दोनों वेरिएबल्स के दरमियान जो नेगेटिव रिलेशनशिप है ये सही साबित होगा और अगर वो वेरिएबल्स वो फैक्टर्स चेंज हो गए तो ये रिलेशनशिप सही साबित नहीं होगा गोया जैसी प्राइस कम होती है तो लोग उसकी ज़्यादा उस कमोडिटी को ज़्यादा मकदार में ख़रीदते हैं कौन से फैक्टर्स इसके पीछे कंट्रीब्यूट करते हैं हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे और अगर प्राइस बढ़ने लगे तो लोग मजबूर हो जाते हैं कि वो उस कमोडिटी को कम खरीदते हैं हम कह सकते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है बढ़ती हुई प्राइसिस क्वान्टिट्टी डिमांडेड यानी मकदार तलब को कम कर देती हैं और कम होती हुई प्राइसिस मिकदार तलब या क्वांटिटी डिमांडेड को ज़्यादा कर देती हैं सो दिस ला स्टेट्स डेट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द क्वांटिटी डिमांडेड वेरिस इनवर्सली विद प्राइस प्राइस के साथ इनवर्सली चेंज होगा प्राइस ज़्यादा क्वांटिटी डिमांडेड कम प्राइस कम क्वान्टिटी डिमांडेड ज्यादा सो लोअर द प्राइस ग्रेटर इज द इफेक्टिव डिमांड हायर द प्राइस लेसर इज द इफेक्टिव डिमांड ये दूसरी कॉमोड थिंग्स कौन सी हैं जैसे कि हमने कहा अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम ये तहक़ीकत किसी भी लॉ की एजम्पन्स कहलाती हैं हम देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम कांस्टेंट एज्यूम्स करें यानी कि दूसरी चीज़ों को एज सच या सेम अज्यूम करें तो तब यह लॉ जो है वो सही साबित होगा अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम लॉ की अजम्पन्स हैं हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे देर इज अ स्केजल फॉर द लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ डिमांड की इस रिलेशनशिप को जो कि प्राइस और क्वान्टिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है इसको शो करने के लिए हमने यहाँ एक डिमांड स्केजूल जो है वो डिज़ाइन किया है इस डिमांड स्केजूल के दो कॉलम से फर्स्ट कॉलम में हमने प्राइस रखी है और दूसरे कॉलम में हमने क्वान्टिटी डिमांडेड कमोडिटी की प्राइस है फाइव और कमोडिटी के हंड्रेड यूनिट्स जो है वो डिमांड किए जा रहे हैं प्राव कमोडिटी की फ्राइव फाइव प्राइस जो है वो एक ज़्यादा कीमत है इसलिए लोग उस कमोडिटी को ज़्यादा परचेस नहीं कर पाते इसलिए पूरी मार्केट में उस शेयर के सिर्फ सौ यूनिट्स जो हैं वो डिमांड किए जा रहे हैं प्राइस कम हो जाती है फाइव से कम होकर फोर हो जाती है तो कम होती हुई प्राइस की वजह से लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाती है अब वो कम होती हुई प्राइस की वजह से पहले से ज़्यादा मकदार में वही शेयर ख़रीद सकते हैं चुनाची अब हंड्रेड के बजाय टू हंड्रेड यूनिट्स उस कमोडिटी के डिमांड किए जा रहे हैं गोया प्राइस में एक फॉल सामने आया तो क्वांटिटी डिमांड पर लेकिन नस्बत इंक्रीज कर गई इसी तरह अगर प्राइस मुसलसल कम होती चली जाए अगर उसमें मुसलसल एक डिक्रीजिंग ट्रेंड हो जैसे प्राइस फोर से कम होकर थ्री और थ्री से कम होकर टू हो जाए तो हम देखते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड मुसल बढ़ रही है टू हंड्रेड से दि बढ़कर कर थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड इस तरह प्राइस में जो है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है सो दब टेबल शोज एट वेन द प्राइज फॉर एग्जाम्पल द प्राइस ऑरेंज इज रुपीज फाइव पर यूनिट ऑनली हंड्रेड यूनिट आर डिमांडेड एंड इफ देर इज अ फॉल इन द प्राइज फॉर एग्जाम्पल द प्राइज फॉल्स टू रुपीज फोर द डिमांड इंक्रीजिज टू टू हंड्रेड यूनिट सो एट द प्राइस ऑफ द फोर the people are demanding the 200 units of the commodity the oranges similarly when the price declines and continuously declining until it reached to the price of rupee 1 the demand increases and continuously increases and increase up to the 200 600 units so on the contrary if the price increases for फ्राम दी रुपीज़ वन यानी अगर हम इसी ग्राफ को इसी स्केजल को हम उल्टा कर देखें अगर हम अपना फर्स्ट वैल्यूज दें कि कमोडिटी की प्राइस यानी ऑरेंज की प्राइस से वन रुपी और उसके सिक्स हंड्रेड यूनिट्स जो हैं वो डिमांड किए जा रहे हैं तो अगर हमारी फर्स्ट वैल्यूज ये हों तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज करती जाएगी तो क्वान्टिटी डिमांडेड कम होती चली जाएगी जैसे कि प्राइस वन से बढ़ कर टू हो जाए तो हमारे पहले अगर किसी कमोडिटी के 600 हंड्रेड यूनिट्स डिमांड कर रहे थे तो अब हम सिर्फ 400 हंड्रेड यूनिट जो डिमांड करेंगे क्योंकि प्राइस के बढ़ने की वजह से लोग उस कमोडिटी को ज़्यादा नहीं खरीद पाते चाहे अगर हम वन से शुरू करें और प्राइस बढ़ते बढ़ते फाइव तक पहुंच जाए तो हम देखेंगे कि क्वांटिटी डिमांडेड भी सिक्स हंड्रेड यूनिट से कम होती हुई हंड्रेड यूनिट तक हो जाएगी वो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी क्वांटिटी डिमांडेड कम होती चली जाएगी चाचे ये डिमांड स्केजूअल प्राइस और डिमांड के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है इसी नेगेटिव रिलेशनशिप को इन्हीं ग्राफ की इन्हीं वैल्यूज़ की बुनियाद पर हम इसका स्केजूल की इन्हीं वैल्यूज की बुनियाद पर हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं जैसे कि हम अभी दिखाते हैं डी लॉ ऑफ डिमांड को एक ग्राफ की मदद मतलब से भी जो है वो ज़ाहिर किया जा सकता है ये ग्राफ उन्हीं वैल्यूज की मदद से बनाया गया है जो कि हमने अभी डिमांड केजुल में जाहिर की जैसे कि हेयर दी पॉइंट पी पी वहां के फर्स्ट जो वैल्यूज थी उनको जाहिर करता है ऑरेंज की प्राइस है फाइव रुपीज और उसकी कितनी जो है यूनिट्स डिमांड किए जा रहे हैं जस्ट हंड्रेड औरेंजेस जो है वो डिमांड किए जा रहे हैं क्योंकि फाइव रुपीज़ एक ज़्यादा कीमत तवर की जाती है इसलिए इसके सिर्फ हंड्रेड यूनिट जो हैं वो डिमांड किए जाते हैं अगर प्राइस फाइव से कम होकर फोर हो जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है लोग अपनी उतनी ही आमदनी से पहले से ज़्यादा मकदार में कमोडिटी को ख़रीद सकते हैं चौथे जब कीमत फाइव से कम होकर फोर हो जाती है तो लोग अब इस फोर रुपीस प्राइस पर कमोडिटी के हंड्रेड यूनिट्स जो है वो परचेज करते हैं जैसा कि पॉइंट क्यू से जाहिर है पॉइंट क्यू शो कर रहा है कि कमोडिटी जैसे कि ऑरेंज की प्राइस जो है वो फोर रुपीस है और उसके टू हंड्रेड यूनिट्स डिमांड किए जा रहे हैं पॉइंट आर पॉइंट आर शो कर रहा है कि शेय की कीमत कम हो गई है फोर से कम होकर थ्री हो गई है जिसकी वजह से लोगों ने कमोडिटी यानी ऑरेंजेस की डिमांड टू हंड्रेड से बढ़ाकर थ्री हंड्रेड कर दी है इसी तरह पॉइंट एस शो करता है कि शेय की कीमत और कम हो गई है और ये थ्री से कम होकर टू हो गई है और अब लोग जो हैं उस कमोडिटी को ज्यादा मिकदार में डिमांड हैं यानी इसकी डिमांड 300 से बढ़कर 400 हो गई है और पॉइंट टी शो करता है कि कमोडिटी की प्राइस वन पर सिक्स हंड्रेड यूनिट्स जो हैं कमोडिटी के डिमांड किए जा रहे हैं इस तरह अगर आप ये सारे के सारे पॉइंट्स को मिलाएँ यदि हम पी क्यू आर एस टी पॉइंट्स को मिलाइए तो हमें एक कर्व हासिल होगा ये कर्व डिमांड कर्व कहलाता है अगर आप इस कर्व की खसूसियात देखें तो इस सिलसिले में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं पहली बात तो ये कि ये खत जो है ये मनफी रुझान रखता ख़त है डिमांड का इज़ अ नेगेटिवली स्लोप कर्व। वाई इट इज़ अ नेगेटिवली स्ट्रोप्ड देर आर थ्री फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट इन नेगेटिव स्लोप ऑफ द डिमांड कव इसको हम अगली स्लाइड में स्टडी करेंगे लेकिन फिलहाल हम इसके बारे में जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ना चाह रहे हैं कि डिमांड कफ है कैसा डिमांड कव नेगेटिवली स्लोप्ड है ये ख़त ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो गिर रहा है गोया डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्फ है और दूसरी बात ये है कि ये खत बाएं से दाएं जानब यानी लेफ्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज हो रहा है अभी इस दोनों के पीछे जो है वो फैक्टर्स क्या है पहली बात ख़त जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है उसकी वजह यह है कि इस एनालिसिस में कमोडिटी की प्राइस मुसलसल कम हो रही है कमोडिटी के प्राइस के कम हो जाने की वजह से यह ख़त दाएं यह खत जो है वो मुसलसल नीचे को गिर रहा है यह खत लेफ़्ट टू राइट क्यों भर रहा है क्यों मूव कर रहा है यह खत दाएं से बाएं से दाएं चानब यहाँ लेफ़्ट टू राइट जो है वो इसलिए जो है वो आगे को बढ़ रहा है क्योंकि कम होती हुई कीमतों पर डिमांड को मुसलसल ज़्यादा किया जा रहा है यह खत कदरी जो है पॉइंट एस तक जो है वो आपको स्ट्रेट लाइन की सूरत में दिखाई दे रहा है जरूरी नहीं है कि जो डिमांड कर्व वो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही हो डिमांड कर्व कनकेव भी हो सकता है कन्वेक्स भी हो सकता है जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में इन डिटेल स्टडी किया था सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट दोज रीजन विच कंट्रीब्यूट टू द नेगेटिवली स्लोब डिमांड कर्व देयर आर दी थ्री रीजनस फॉर नेगेटिवली स्लोट डिमांड कव दस्ट रीजन इज नोन एज दाइस इफेक्ट एंट्री ऑफ द इट इज ऑल्सो नोन एज दी ऑफ द न्यू बाराइज अफेक्ट असली कीमत की वजह से भी खत तलब जो है ये डिमांड कव जो है वो नेगेटिवली स्ट्रोप हो जाता है प्राइस इफेक्ट की वजह यह है कि पहले बहुत सारे कंज्यूमर्स इस चूँकि कमोडिटी की, की कीमत ज़्यादा थी बहुत सारे कंज्यूमर्स पहले उस कमोडिटी को नहीं खरीद सकते थे चुनाचे बायर्स की तादाद या कंज्यूमर्स की तादाद कम थी बायर्स की तादाद इसलिए कम थी क्योंकि कमोडिटी की प्राइस नस्बतान ज़्यादा थी जब कमोडिटी की प्राइस कम होने लगी तो बायर्स जो हैं अब प्राइस के कम हो जाने की वजह से बायर्स अब उस कमोडिटी को खरीदने की पोजीशन में आ गए यानी पहले तो कुछ बायर्स उस कमोडिटी को बिल्कुल नहीं खरीद पाते थे इसलिए कि कमोडिटी की प्राइस ज़्यादा थी जैसे जैसे कमोडिटी की प्राइस कम होती चली गई तो बहुत सारे बायर्स जो कि पहले उस कमोडिटी को नहीं ख़रीद सकते थे अब वो भी एंटर हो गए और वो भी कमोडिटी को परचेज करने की पोजीशन में आ गए इसलिए इसे प्राइस इफेक्ट कहते हैं गोया कीमत के कम हो जाने पर कमोडिटी को ज़्यादा ख़रीदा जा रहा है प्राइस इफ़ेक्ट की वजह से कीमत की वजह से यानी कि नए बायर्स की जो है वो एंट्री की वजह से एक दूसरा फैक्टर जो इस सिलसिले में जो है वो कंट्रीब्यूट करता है इट इज़ दी इनकम इफेक्ट इनकम इफेक्ट इनकम तरकीकत में दो तरह की होती है एक जिसको हम नॉमिनल इनकम कहते हैं एक जिसको हम रियल इनकम कहते हैं ये आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलसिले में भी इसको कंसेप्ट पढ़ा था जब भी कीमत कम होती है तो कंज्यूमर की रियल इनकम ज़्यादा हो जाती है स्टूडेंट्स नॉमिनल इनकम से मुराद है जितनी वो इनकम हासिल करता है जैसे एक कंज्यूमर जो है फॉर एग्जाम्पल टेन थाउजेंड अर्न करता है वो उसकी नॉमिनल इनकम है लेकिन इस टेन थाउजेंड से वो जितनी कमोडिटीज़ परचेज कर सकता है वो उसकी कहलाती है रियल इनकम चाहिए जब प्राइस कम होती है उसकी नॉमिनल इनकम तो उतनी ही रहती है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टेन थाउजेंड है तो टेन थाउजेंड ही रहती है लेकिन कीमत के कम हो जाने की वजह से उसकी रियल इनकम बढ़ जाती है रियल इनकम जिसका मतलब है उसकी आमदनी की परचेजिंग पावर आमदनी की कुवतें खरीद पहले वो टेन थाउजेंड से कम चीज़ें ख़रीद पाता था लेकिन कीमत के कम हो जाने की वजह से अब वो टेन थाउजेंड से ज़्यादा चीज़ें ख़रीद पाता है गोया कि उसकी आमदनी की परचेजिंग पावर बढ़ गई है इसे कहते हैं इनकम अफेक्ट असर आमदनी चाचे कीमत के कम हो जाने की वजह से कमोडिटी को इसलिए भी ज़्यादा ख़रीदा जाता है क्योंकि कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है उसकी आमदनी की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है इसलिए जब कीमत कम हो जाती है तो वो शेयर को ज़्यादा ख़रीद लेता है और कीमत जब कम हो ज़्यादा हो जाती है तो वो शेयर को ज़्यादा नहीं ख़रीद पाता क्योंकि उसकी आमदनी की कुत ख़रीद कम हो जाती है इसीलिए जो है डिमांड का नगेटिव स्लोप होता है तीसरा फर्क है सब्सिट्यूशन अफेक्ट हम जानते हैं हम बहुत सी चीज़ें ऐसी इस्तेमाल करते हैं जो कि एक दूसरे का सब्सीट्यूट होती हैं अपनी किसी एक रोक को पूरा करने के लिए हम उनमें से कोई एक ही शे इस्तेमाल करते हैं मिसाल के तौर पर अगर हम कागज़ पर लिखना चाहें तो जाहिर है हम बाल पॉइंट इंक पेन पेंसिल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ज़्यादातर ज़ाहिर अगर हम एक शह इस्तेमाल करेंगे तो फिर दूसरी शेय इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर एक शेय की कीमत कम हो जाती है सब ये चीज़ें एक दूसरे का सब्सीट्यूट कहलाती हैं क्योंकि ये एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं मिसाल के तौर पर जैसे कि अगर कोला ड्रिंक्स देख लें तो पेप्सी कोला कोका कोला आरसी कोला एक दूसरे का सब्सीट्यूट है या अगर आपने बहावलपुर से लाहौर जाना है तो आपके पास आप मुख्तिस ज़राय से सफ़र कर सकते हैं जैसे कि आप बाई रोड सफ़र कर सकते हैं बाई एयर कर सकते हैं बाय रेल कर सकते हैं तो ये सारे के सारे जो हैं ये एक दूसरे का सब्सिट्यूट होते हैं कोई गर्म मशरूफ है तो चाय कॉफ़ी एक दूसरे का सब्सिट्यूट है आप इनमें से किसी एक शय को इस्तेमाल करेंगे जब एक शेय की की कीमत कम होती है तो उसका असर लाजमी दूसरी शय की कीमत पर पड़ता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोका कोला की कीमत कम हो जाए तो कोका कोला की अपनी डिमांड तो बड़े ही बढ़ेगी ही इस वजह से बढ़ेगी कि जो लोग कोका कोला को पहले इस्तेमाल कर रहे थे उनकी आमदनी की जो है वो कुवतें खरीद बढ़ गई इनकम अफेक्ट या बहुत से नए बायर्स भी ख़रीदने शुरू कर देंगे लेकिन कुछ बायर्स कोका कोला को वहाँ से मिलेंगे जो कि पैप्सी कोला या आरसी कोला को छोड़कर कोका को कोला की तरफ आएंगे क्योंकि कोका कोला की कीमत कम हुई है लेकिन पेप्सी कोला या आरसी कोला की कीमत कम नहीं हुई चुनाची सब्सिट्यूशन इफेक्ट के तहत भी किसी शेयर की कीमत के कम हो जाने की वजह से उसकी डिमांड बढ़ जाती है गोया कोका कोला की कीमत के कम हो जाने की वजह से उसकी डिमांड सिर्फ इसलिए बढ़ेगी क्योंकि लोग आरसी कोला या पेप्सी कोला को छोड़कर जो है वो कोका कोला को जो है वो ख़रीदना शुरू कर देंगे क्योंकि वो उसका बेहतरीन सब्सिट्यूट है उसका बेहतरीन निम्बुल है इस तरह के तीन फैक्टर्स हैं और अगर कोका कोला की कीमत ज़्यादा हो जाती तो लोग उसकी आ, उसकी डिमांड को बहुत ज़्यादा कम कर देते क्योंकि उसके पास इसके दूसरे सब्सिट्यूट मौजूद हैं जैसे अगर उन्होंने कोला ही ड्रिंक लेनी है तो वो पेप्सी कोला या आरसी कोला भी ले सकते हैं और कोका कोला की कीमत के बढ़ने की वजह से उसकी डिमांड अचानक बहुत कम हो जाती गो है गोए की तीन फैक्टर्स हैं जो मैं बताते हैं कि क्यों आखिर किसी शय की कीमत में कमी की वजह से उसकी डिमांड बढ़ जाती है किसी शय की कीमत में कमी की वजह से उसकी डिमांड इसलिए बढ़ती है कि बहुत सारे नए बायर्स शामिल हो जाते हैं प्राइस इफेक्ट या उसकी आमदनी की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है इनकम इफेक्ट या उसके सब्सिच्यूट इस्तेमाल करने वाले लोग उस उन सब्सिट्यूट को छोड़कर इस कमोडिटी को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं इसी तरह जब किसी शेयर की कीमत ज़्यादा हो जाती है तो उसकी तलब बहुत तेज़ी के साथ कम हो जाती है क्योंकि बहुत सारे बायर्स अब उसको ख़रीदने की पोजीशन में नहीं होते चाचे बहुत से बायर्स छोड़ जाते हैं प्राइस इफ़ेक्ट या फिर उसकी आमदनी की परचेजिंग पावर कीमत के बढ़ने की वजह से कम हो जाती है इसलिए भी डिमांड कम हो जाती है इनकम अफेक्ट या फिर जो है वो सब्सिट्यूशन इफेक्ट यानी कि लोग उस शय को जिसकी कीमत बढ़ रही है उसको छोड़कर उसके दूसरे नेमुल बदल या सब्सिट्यूट इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और डिमांड कम हो जाती है गोया ये तीन इफेक्ट इनकी वजह से कीमत में कमी की वजह से उस शे की तलब बढ़ जाती है और कीमत में अजाफी की वजह से उस शेयर की तलब जो है वो कम हो जाती है जिस ये हमने लॉ ऑफ डिमांड जो है वो स्टडी किया नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आज हमने लॉ ऑफ डिमांड बयान करते हुए देखा कि अदर थिंग्स रिमेनिंग दी दें इस लॉ ऑफ़ डिमांड की कौन सी जमशन हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जो एज सच रहे, तो ये कानून जो है वो सही साबित होगा इसके अलावा हम वो फैक्टर्स भी स्टडी करेंगे कि जिन पर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई नहीं होता